डेबिट। 33 पे बात करते हैं भाई, 33 में कह रहा है द कैश बुक एक्ट्स एज अ लेजर अकाउंट फॉर विच अकाउंट, क्या मतलब, थोड़ी सी ट्रिकी बात है। अगर आपने 3 कॉलम कैश बुक बनाई हो तो उसमें 3 कॉलम होते हैं कैश, बैंक और डिस्काउंट। लेफ्ट हैंड साइड पे होता है कैश, बैंक, डिस्काउंट अलाउड, और राइट हैंड साइड पे होता है कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, इसलिए वो डेबिट साइड पे आता है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है इसलिए वो क्रेडिट साइड पे। अब कैश बुक अगर आपने बनाई है तो प्रोसेस ये होता है कि एक बार अगर आप 3 कॉलम कैश बुक बनाएं, एंड में आप क्या करते हैं, वो जो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव के कॉलम्स हैं उनको हम ऐड करते हैं, और डिस्काउंट अलाउड का जो टोटल है उसको टी अकाउंट में डाल देते हैं। और टी अकाउंट किस चीज़ का, एक डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट खोलते हैं और जो भी टोटल होता है उसको डेबिट पे लिख देते हैं, और लिख देते हैं टोटल फॉर द मंथ, टोटल फॉर द मंथ। ये प्रोसेस होता है। ऐसे डिस्काउंट रिसीव जो होता है 3 कॉलम कैशबुक में, उसका टोटल हम कहाँ डाल देते हैं, डिस्काउंट रिसीव का एक अकाउंट खोल देते हैं और वो लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे, और रेफरेंस पे लिख देते हैं टोटल फॉर द मंथ, मंथ एंड में। सही है, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड और रिसीव के लिए अलग अलग टी अकाउंट खोलते हैं। लेकिन आज तक आपने ऐसा नहीं किया होगा, अगर आपको याद हो कि हम कैश और बैंक के भी अलग से टी अकाउंट खोलें। मतलब आपने जो कैश बुक बनाई है वही टी अकाउंट भी है। कैश बुक का मेरे भाई थोड़ी मुश्किल बात है, कैश बुक का डुअल पर्पस। डुअल पर्पस इसका क्या मतलब, कैश बुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ जाएंगे, कैश बुक में। और कैश बुक जो है वो एक टी अकाउंट भी है, लेजर अकाउंट भी है। क्यों? एक बार डेटा कैश बुक में आ गया तो अब यहाँ से किसी और टी अकाउंट में कैश या बैंक के और अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं। तो पता ये चला कि कैश बुक जो है वो लेजर अकाउंट भी है, किसके लिए, सिर्फ कैश और बैंक के लिए, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड और रिसीव के हमें बाद में अलग से अकाउंट खोलने पड़ते हैं, लेकिन कैश और बैंक के अलग से टी अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो याद रखो भाई, कैश बुक जो है और पेटी कैश बुक जो है वो डबल एंट्री का पार्ट है, सही है। लेकिन आपकी जो बाकी बुक्स हैं जैसे सेल जर्नल, परचेज जर्नल, रिटर्न इनवर्ड जर्नल, रिटर्न आउटवर्ड जर्नल और द जर्नल, वो डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। सिर्फ कैश बुक और पेटी कैश बुक डबल एंट्री का पार्ट है, और कोई डबल एंट्री का पार्ट